डीएवी पब्लिक स्कूल ने मनाया वार्षिक दिवस। विधायक कुंवर विजय प्रताप सिंह रहे मुख्य अतिथि। लॉरेंस रोड स्थित डीएवी पब्लिक स्कूल ने डीएवी कॉलेज मैनेजिंग कमेटी के अध्यक्ष आर्यरतन पद्मश्री डॉक्टर पूनम सूरी के निर्देशों पर प्रिंसिपल डॉक्टर पल्लवी सेठी की अध्यक्षता में जूनियर विंग का वार्षिक दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया। इस मौके विधायक कुंवर विजय प्रताप सिंह ने शिरकत कर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, तो वहीं रीजनल ऑफिसर डॉक्टर नीलम कामरा ने भी विशेष अतिथि के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि द्वारा दीप प्रज्वलित कर की गई। नन्हे बच्चों द्वारा रंग बिरंगी वेशभूषा में विभिन्न प्रकार की दी गई प्रस्तुतियों ने सभी का मन मोह लिया। अभिभावकों ने भी कार्यक्रम का खूब आनंद उठाया। इस मौके विधायक कुंवर विजय प्रताप सिंह ने इस सफल कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि बच्चों के द्वारा दी गई प्रस्तुतियों में स्कूल स्टाफ की मेहनत साफ झलक रही है। उन्होंने कहा कि स्कूल स्टाफ बच्चों के बहुपक्षीय विकास के लिए पूरी तनदिली से कार्य कर रहा है। वहीं प्रिंसिपल डॉक्टर पल्लवी सेठी ने मुख्य अतिथि विधायक कुंवर विजय प्रताप सिंह का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि अभिभावक इस संस्थान पर भरोसा कर अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए संस्थान को हर प्रकार का सहयोग दे रहे हैं। इसी के साथ उन्होंने कहा कि इस सफल कार्यक्रम में सभी स्कूल स्टाफ ने बहुत ही मेहनत की है और वह बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए संस्थान को अपना पूरा सहयोग दे रहा है। डीएवी पब्लिक स्कूल जूनियर विंग का एनुअल डे फंक्शन था और बच्चों ने बहुत ही अच्छे तरीके से देखिए कार्यक्रम पेश किए, और ख़ास करके जो आज का जो थीम था वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट थीम था। वो आदि मानव के टाइम का सारा कुछ था कि मनुष्य जब सभ्यता की उत्पत्ति हुई तो कैसे ये हुआ। और देखिए इससे सबसे बड़ी बात होती है कि डीएवी पब्लिक स्कूल में जो जिस तरीके से पढ़ाई कराई जाती है और जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ और ख़ास करके बच्चों को एक अच्छा नागरिक बनने का जो पाठ पढ़ाया जाता है ये बहुत ही सराहनीय है। और इन बच्चों ने अपने टीचर्स के गाइडेंस में, पेरेंट्स के गाइडेंस में बहुत ही अच्छा प्रोग्राम दिया, और हम यही परमात्मा से अरदास करेंगे कि ये बच्चे आगे बढ़ें और परिवार का, देश का, समाज का नाम रोशन करें। सर आपने भी कुछ अनाउंस किया है नवे साल के लिए? हम करते जाएंगे, आपको बताते जाएंगे। बहुत कुछ करना है, राजनीति से हट करके बहुत सारी चीज़ें करनी है और राजनीति को एक नया रूप देना है। आप, वी ऑल नो दैट द पास्ट टू इयर्स केम एज अ वेरी बिग चैलेंज टू अस। पैंडेमिक टाइम ब्रॉट अबाउट अ लॉट ऑफ इंट्रोस्पेक्शन। हम सब ने रियलाइज़ किया कि कैसे वी आर ऑलमोस्ट वर्चुअली गोइंग टूवर्ड्स द एंड ऑफ लाइफ, द वे द थिंग्स यू नो आर गोइंग बैड फ्रॉम टाइम टू टाइम। और आज आफ्टर पोस्ट कोविड आई थिंक ये बच्चों का फर्स्ट प्रोग्राम था हमारा, जिसमें इन बच्चों ने एक बहुत एप्ट मैसेज लेके आए हैं टू सेंसिटाइज द ऑडियंस एंड द वर्ल्ड अराउंड दैट जस्ट अ टच अवे। अब जस्ट अ टच अवे का मतलब है कि जिस तरह से इंसान, यू नो, मैन इज़ बिकमिंग द मोस्ट डेंजरस एनिमल इन दिस वर्ल्ड, इन द सेंस के वो छोटे छोटे जानवरों को, बड़े बड़े जानवरों को, दे आर किलिंग देम एंड दे आर ब्रिंगिंग द वर्ल्ड टू एन एंड। द इकोलॉजिकल बैलेंस इज गेटिंग डिस्टर्ब्ड एंड यू नो द वे वी आर कॉजिंग हार्म टू द वर्ल्ड अराउंड द फ्लोरा एंड फौना, वी नीड टू वेक अप। हमें जागने की ज़रूरत है कि बहुत हो चुका है, ब्रिंग एन एंड टू दिस हीनियस क्राइम। हम सबको एक साथ आगे बढ़ना है, हाथ के साथ सबको मिला के, हाथ से हाथ मिला के हमने एक मैसेज कन्वे करना है दैट स्टॉप दिस किलिंग ऑफ एनिमल्स, स्टॉप टीजिंग एनिमल्स, लेट देम बी पार्टनर्स इन सर्वाइवल ऑन दिस प्लैनेट अर्थ। क्योंकि इंसान जो है अपने वेस्टेड सेल्फिश इंटरेस्ट की वजह से सारे के सारे फ्लोरा एंड फौना को कम्प्लीटली डिस्टर्ब करता जा रहा है। ये पास्ट टू ईयर्स हैव गिवन अस अ वेरी बिग लेसन दैट व्हाट द वर्ल्ड इज़ बिकमिंग। सो इट वॉज़ अ ब्यूटिफुल एंडेवर बाय द चिल्ड्रन। इतनी ठंड में भी, सख्त ठंड में भी ये बच्चे जो हैं सुबह सुबह 8:30 बजे यहाँ पे आके देवर ऑल रेडी डेक्ड अप विद फुल जील एंड फर्वर, एंड उन्होंने बहुत ही अच्छे से अपना प्रोग्राम दिखाया। देवर ऑलमोस्ट अबाउट 550 स्टूडेंट्स प्लस फ्रॉम LKG एंड स्टैंडर्ड 1। This is the first slot. We have the another slot in the evening with the other sections. And बच्चों का बहुत ही beautiful performance था, well synchronized, well coordinated. And I must say over here, जितनी भी थी इसकी program क्या showcase जो हुआ है, it was all in-house production in the sense कि बच्चों ने खुद अपने आप गा के अपने आप dialogue delivery की है। कोई हमारी voice over नहीं थी, कोई recordings नहीं थी।
सारे जो हमारे टीचर्स हैं, हमारा हेल्पर स्टाफ है और स्टूडेंट्स से मिलके, जितना भी आप पीछे देख रहे हैं द जंगल इफेक्ट एंड ऑल हैज़ बीन गिवन बाय द स्टूडेंट्स. सो आई थिंक कुडोस टू आवर चिल्ड्रन, दे आर रियली डूइंग वेल. बट अबव ऑल आई वुड लाइक टू थैंक आवर पेरेंट्स. दे हैव बीन अ वेरी बिग सपोर्ट विद अस, दे हैव ट्रस्टेड इन अस एंड इट इज़ बिकॉज ऑफ देयर हैंड होल्डिंग दैट वी आर एबल टू डू द बेस्ट फॉर आवर चिल्ड्रन. एंड आज के हमारे जो चीफ गेस्ट थे कुंवर विजय प्रताप जी, उन्होंने भी बहुत अच्छा एक मैसेज दिया है दैट बींग अ पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स डज नॉट मीन प्लेइंग पॉलिटिक्स, ही मीन्स टू एजुकेट चिल्ड्रन, टू मेक देम लिटरेट ह्यूमन बींग्स. एंड उन्होंने प्रॉमिस किया है कि वो हमारे स्कूल बीच में कभी भी अनइन्वाइटेड ऐसे ही आ जाएंगे एज अ नॉर्मल पेरेंट, एज अ नॉर्मल यू नो मेम्बर ऑफ द सोसाइटी, और वो बच्चों को वैदिक मैथ्स के टिप्स देंगे अलग अलग ढंग से, कैसे वो IIT JEE के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं. आई थिंक आई नेवर हैड एनी यू नो पॉलिटिशियन स्पीकिंग लाइक दिस, बट ही इज विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग विजन टू एम्पावर. एंड द अदर मैसेज ही गेव वॉज दैट प्लीज स्टॉप दिस ब्रेन ड्रेन. हमारी कंट्री में ही बहुत कुछ है हमारे बच्चों के लिए. लेट्स stay back in our own country and make our country proud. So thank you so much. I appreciate the press also that you were here with us to cover everything. Thank you so much. Jai Hind.